सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं डीजे बॉय साजिद खान के बारे में। तो इनके चैनल पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ है जहां पर ये बताया गया है कि डीजे बॉय साजिद खान जो है पिछले 5-6 दिन से मिसिंग है। यस, वो कहीं पे मिल नहीं रहे। उन्होंने जो है पुलिस वगैरह को भी कंप्लेंट किया है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है उनका। तो इसके लिए वो जो वीडियो अपलोड किया, मैं छोटा सा क्लिप उनके वीडियो का दिखाता हूं। अगर आपको उनका पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। जैसे कि थंबनेल में आप सबको पता चल गया है कि साजिद भाई आज 6-7 दिन से निखोज है, लापता है। साजिद भाई का कोई पता नहीं है। तो गाइस, आज मतलब हम लोग इतना दिन से इतना लेट क्यों किया है वीडियो अपलोड करने में। तो बात यह है कि सोचे कि वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो हम लोग जितना भी मेरा रिश्तेदारी था, साजिद भाई का रिश्तेदारी था, जितना भी साजिद भाई का दोस्ती यारी था, सबसे मतलब कांटेक्ट कर लिए, सब मतलब सबसे हम लोग सब जगह ढूंढ लिए। जितना ज़्यादा जगह हम लोग जान परिचय था, सब जगह हम लोग ढूंढ लिए हैं। पुलिस में भी इन्फॉर्म कर दिए हैं। आई होप यार डीजे बॉय साजिद खान जो है कहीं पर भी हो है ना, वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। कल का लौंडा एंड सौरव जोशी ब्लॉग्स के बारे में आपको बताऊंगा। पहले जो है कल का लौंडा बहुत सारे वीडियोस निकाले थे सौरव जोशी के ऊपर। एक कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था सौरव जोशी एंड कल का लौंडा के बीच में, लेकिन अभी का अपडेट ये कि सौरव जोशी ने जो है कल का लौंडा को फॉलो कर लिया इंस्टाग्राम पर, और जो कल का लौंडा ने भी जो है सौरव जोशी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया। यस, स्क्रीनशॉट से भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो थगेश एंड अदनान 07 के बारे में आपको पता होगा, एक कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था रिसेंटली टिकटॉक वर्सेस 2.0। तो अभी ना रिसेंटली अदनान 07 ने जो थगेश का एक रील्स को लाइक किया था, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, उसका थगेश एक स्टोरी पोस्ट किया है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में आपसे। विजय झाला के बारे में, ये अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो बताया कि वो जिस सोसाइटी में रेंट पे रहते थे उनको निकाला गया, क्यों, बहुत ही एक छोटा सा रीजन की वजह से, बेसिकली पार्किंग को लेकर ये इशू हुआ है ना। उनको जहां पे जगह मिलता था वहीं पे वो पार्क करते थे ना, जहां पर खाली लगता है। तो वहीं पे एक बंदा उनको आके बोलता है कि ये मेरा जगह है, यहां पे मैं पार्क करता हूं, पिछले 2 साल से मैं यहीं पे पार्क कर रहा हूं, तुम यहां पे पार्क नहीं कर सकते, ऐसा टाइप का मतलब बहुत टाइम आर्ग्यूमेंट चला उनका। वो जो फ्लैट का ओनर था जो विजय झाला है, वो जो रेंट पे रह रहे थे, और वो फ्लैट का ओनर ने जो वो मालिक को कॉल किया, सोसाइटी का मालिक को शायद से, उन्होंने जो विजय झाला को निकाल दिया। मैं छोटा सा क्लिप आपको उनके वीडियो का दिखाता हूँ, आप देखिए। सडन वो बोल रहे कि मैं 2 साल से यही रख रहा हूँ तो मैं यही रखूंगा। उनको तकलीफ ये हुई कि 2 साल से वो रख रहे हैं तो उनकी जगह निकली और हमने लगा दी, तो वो तकलीफ। अब किसी का अलॉटमेंट इधर किसी को किया हुआ नहीं कि भाई ये पार्किंग करना है, ये पार्किंग करना। अब समझो अभी फिर मकान मालिक को मतलब ये क्या, जितने भी ये लोगों का ये कहना था कि भाई जो जो मकान मालिक है वो वहां पर गाड़ी पार्क करेगा, बाकी जो रेंट पे रह रहा है वो कहीं और बाहर पार्क करेगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, मतलब मिस्टर इंडियन हैकर एंड राउंड 12 के बारे में। तो बहुत जल्द मिस्टर इंडियन हैकर जो है राउंड 12 को क्रॉस करने वाले इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मिस्टर इंडियन हैकर क्रॉस कर चुके, बहुत तेजी से ग्रो होता है उनका चैनल। क्या लगता है आप लोगों को, जिस हिसाब से मिस्टर इंडियन हैकर का ग्रोथ है, क्या वो नंबर 1 यूट्यूबर बन पाएंगे इंडिया का, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, एंड्रियो बी के बारे में। वो अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो बताया कि उनको जो एक थंबनेल की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है एक फॉरेन के यूट्यूबर ने शायद से। यस, एंड उतना ही नहीं, वो स्ट्राइक हटाने के लिए वो जो पैसा भी डिमांड कर रहा है, मतलब पैसा मांग रहा है, तुम पैसे दो मैं स्ट्राइक हटाऊंगा। मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं उनके वीडियो का, आप देखिए। स्ट्राइक आई है थंबनेल पर। यस, मैंने एक बंदे का थंबनेल थोड़ा सा उठाया था यार, मेरे को नहीं पता था तब। लाइक होता है, तुम ऐसा लाइफ में धीरे धीरे सीखते हो, एंड इस स्ट्राइक के बाद मेरे को ऐसा पता लग गया कि मतलब ऐसा थंबनेल तुम नहीं उठा सकते हो। एंड या वो इंडिया का बंदा नहीं था, वो बाहर का था, यूक्रेन का था। तो उसने मेरे को रिप्लाई किया ये बोलते हुए कि मैंने उसका थंबनेल यूज किया है, जो कि सही है। एंड उसने आगे ये भी लिखा कि मैंने उसके थंबनेल से पता नहीं कितने ही लाखों रुपए बना लिए हैं। फिर वो आया मेन मुद्दे पर, उसने मेरे को बोला कि मेरे को $500 दे दो एंड मैं स्ट्राइक हटा लूंगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब टेक्निकल गुरुजी के बारे में। आपको बताऊंगा टेक्निकल गुरुजी बहुत टाइम से ये बता रहे कि उनका जो टीजी 2.0 करके कुछ आ रहा है, तो उसका जो पहला शूट खत्म हो चुका है। यस, वो अपने रीसेंट व्लॉग में बात किया, मैं दिखाता हूं आपको क्लिप, आप देखिए। कल फर्स्ट वीडियो शूट हो चुका है टीजी 2.0 का, और बहुत जल्दी अभी अनवील होने वाली है, चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अभी दिस इज जस्ट यू नो अ फ्यू थिंग्स इन द मेकिंग हियर एंड देयर। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मतलब यूट्यूब का बिगेस्ट चैनल के बारे में। ठीक है, बिगेस्ट चैनल क्या लगता है आप लोगों को, टी सीरीज है? नहीं भाई, यहाँ पे एक शॉर्ट्स अपलोड हुआ है, क्यूरियो करके एक चैनल है, उन्होंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया जहां पर वो एक पूरा रिसर्च करके अपलोड किया, जहां पर वो बताया कि एक चैनल ऐसा है जो कि टी सीरीज से भी बड़ा चैनल है। ठीक है, मैं दिखाता हूं उनका शॉर्ट्स, आप देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है, तो आपका जवाब होगा टी सीरीज, पॉपी पाई या मिस्टर बीस्ट। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है पवेल रादेव, जिसके चैनल का नाम है द सोल पब्लिशिंग। क्या आप भी चोमू को नहीं जानते? मैं आपको बताता हूं, ये वही कंपनी है जो 5 मिनट क्राफ्ट, 1-2-3 को, ब्राइट साइड, 7 सेकंड रीडर्स, लाला लाइफ और वैसे बहुत से चैनल्स को ओन करती है। यहां सिर्फ 5 मिनट क्राफ्ट के अंदर 13 चैनल्स आते हैं, और इन 13 चैनल्स की वीडियोस को 19 भाषाओं में ट्रांसलेट करके 19 अलग अलग चैनल्स पर अपलोड किया जाता है। YouTube पर इनके 150 से ज्यादा चैनल्स हैं, और टोटल सिर्फ YouTube पर इनके 500 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और Facebook पर इनके 400 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। सिर्फ अप्रैल 2020
2022 के अंदर इनके 8 बिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे और इतने ही व्यूज इनके हर महीने आते हैं। और हाँ, ये मैं आपको सिर्फ इनके लॉन्ग वीडियोस पर आए व्यूज की बात कर रहा हूँ। इनके 100-150 मिलियन के आसपास इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलोअर्स हैं और 20-25 के आसपास पिंटरेस्ट और स्नैपचैट पर भी होंगे। आकलन सोल पब्लिशिंग 150 मिलियन डॉलर यानी 1100 करोड़ रुपए हर साल यूट्यूब और फेसबुक से कमाती है। तो मेरे जैसे जितने भी लोग गोचू 5 मिनट कार्ड फेलो का मजाक बनाते हैं, वो एक बात समझ लो कि ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है, डिज्नी और T3 से भी बड़ी। गाइज, अभी मैं बात करने वाला हूँ creatorshop.in के बारे में। यहाँ पे नए यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट लाइट्स मिलती है, इतनी सॉफ्ट है कि आप सामने बैठकर वीडियो बना सकते हो, आंखों को जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हर शॉपिंग साइट से सस्ते रेट्स में प्रोडक्ट मिलते हैं, आप यहाँ पे जो नो कॉस्ट EMI पर भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड newsboy500 यूज करते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज ऑफ भी मिलेगा। आप जो एफिलिएट बनकर भी पैसे कमा सकते हो, बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके जरूर से चेकआउट करें। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, आपसे श्रीमान लेजेंड के बारे में। श्रीमान लेजेंड जो है 2 दिन पहले अपने चैनल पर चैरिटी स्ट्रीम किए थे, अभी आसाम में बहुत बुरा हाल होकर रखा है फ्लड की वजह से। तो उन्होंने जो टोटल 4,06,000 रुपीज रेज किया है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए थे। और जो कैरेमिनाटी भी अपने सेकंड चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया था, चैरिटी स्ट्रीम था वो कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ वो तो नहीं बताया, लेकिन आज शायद से वो फिर एक स्ट्रीम करने वाले, एक दो दिन में हमें पता चल जाएगा कि उनके स्ट्रीम से जो है कितना रुपीज रेज हुआ। अच्छा लगा देख के कि इतने बड़े यूट्यूबर्स भी अभी आगे आ रहे हैं ना, चैरिटी स्ट्रीम वगैरह कर रहे हैं। मैं खुद आसाम से हूं एंड मुझे काफी अच्छा लगा भाई। कुछ लोग बोलेंगे भाई तूने कुछ नहीं, भाई मैं अगर ये न्यूज दे रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैंने भी कुछ दिया हुआ है। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, रितिका सिंह के बारे में। ये बेसिकली एक फैशन ब्लॉगर थी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक बैड न्यूज है। तो क्या हो गया कि उनके हस्बैंड एंड उनके फैमिली ने मिलकर जो है उनको बिल्डिंग से धक्का मार के ना उनको बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया, उनका हाथ एंड पैर वगैरह अभी बंधे हुए थे। एंड अभी उनके हस्बैंड एंड 2 लोग और को जो अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। स्वयं सब मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, संदीप महेश्वरी के बारे में। तो आपको पता होगा संदीप महेश्वरी के चैनल पर एक सीरीज चल रहा है मीट योर फेवरेट यूट्यूबर्स करके, ऐसा जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी तक आ चुके हैं। तो अभी जो नेक्स्ट गेस्ट होंगे उनके चैनल पर वो होंगे A2 मोटिवेशन यानी कि अरविंद अरोड़ा। यस, A2 मोटिवेशन एक पोस्ट कहते हैं अपने यूट्यूब पर, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, मिस्टर रैंडम के बारे में। तो मिस्टर रैंडम जो है बहुत ही बड़ा माइनक्राफ्ट इवेंट ला रहे इंडिया में। यस, एंड वो बहुत बड़ा होगा, इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। यस, वो खुद बताए जैसे कि आप देख सकते हो पोस्ट करके, वो लिखे दिस अनाउंसमेंट इज टू इंट्रोड्यूस यू विद वन ऑफ द बिगेस्ट माइनक्राफ्ट इवेंट इन आवर कंट्री। इफ यू डोंट वांट टू मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, मेक श्योर टू fill out the form given below. You must be in the Discord server for further informations and updates regarding the event. Yes, अगर आप भी participate करना चाहते हो तो वो form भर सकते हो and also आपको जो उनका Discord server को भी join करना होगा। तो चलिए अगले update के बारे में, आपसे आपका Jax के बारे में। तो इनका जो Instagram account को Instagram ने suspend कर दिया। Yes, क्योंकि किसी ने जो है report किया है, जहाँ पे लिखा हुआ है you anonymously reported आपका Jax for suicide for self injury. And ये किसने report किया उसी का Instagram story को वो share किया थे। T4N दूरी करके एक Instagram page है, इससे related आपका Jax जो एक tweet किया था, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, माय अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड बाय इंस्टाग्राम बिकॉज अपेरेंटली समवन सस्पेंडेड माय अकाउंट फॉर सुइसाइड और सेल्फ इंजरी, इंस्टाग्राम प्लीज हेल्प मी आउट, रियली रियली स्ट्रेस्ड अबाउट इट। उसके बाद जो है T4N दूरी कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आई एम सॉरी आपका जैक्स ब्रदर, यू आर सो काइंड हार्टेड पर्सन, आई एम रियली सॉरी, आई एम ट्राइंग टू गेट बैक योर अकाउंट एज सून एज पॉसिबल, सॉरी टू योर ऑडियंस टू। तो जिन्होंने रिपोर्ट करके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड किया, अभी वो खुद यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं उनका अकाउंट को वापस लाने के लिए। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अर्जुली व्लॉग्स के बारे में। आपको पता होगा मैं पिछले 2 वीडियो से कवर कर रहा हूँ ये स्टोरी, बहुत कुछ हुआ है। बेसिकली एक डॉग ने पॉटी किया था सोसाइटी में, उसके बाद जो है कुछ लोग आके उनको हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश किए थे, सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनको नहीं दे रहे थे, पुलिस वगैरह आके जो अर्जुन को अरेस्ट भी किए थे, 14 आवर्स तक वो जेल में थे, वो वीडियोज वगैरह अपलोड कर रहे, अपडेट दे रहे। अभी का अपडेट ये है कि वो एक पोस्ट किए थे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर महिमा सिटी टू रिलीज द फुल सीसीटीवी फुटेज सो द होल ट्रूथ कम आउट, इट्स बीन मोर देन 3 डेज। एंड वो ट्वीट भी किए थे जहां पर वो लिखे, वी हैव आल्सो रोट टू द लोकल newspapers, but a judge used his influence and told the owners not to publish our story. They are trying to suppress our story. All we have is support from you guys. यहाँ पे जैसे कि वो बताए, but the judge used his influence and told the owners not to publish our story. Basically वो जज वही है जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ है, ठीक है, वो मतलब काफी पावरफुल लोग है, इसके लिए उनके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह नहीं लिया जा रहा है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।